हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे से होंगे। तो आज हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर लॉरेंट एक्सपेंशन के ऊपर कुछ क्वेश्चन करेंगे। एक्सपेंड एफ जेड इज इक्वल टू 1/z + 1, z + 3 इन ए लॉरेंट सीरीज वैलिड फॉर रीजन। पहला क्या है? मोड जेड लेस देन 1। दूसरा क्या है? मोड जेड ग्रेटर देन 1 लेस देन 3। मोड जेड ग्रेटर देन 3। और फोर्थ है mod z+1 > 0 > 2। अब देखो, इससे पहले हमने टेलर सीरीज एक्सपेंशन भी किया था, तो वो मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंस बताता हूँ। वो टेलर सीरीज और लॉरेंट सीरीज में एक्सपेंशन का क्या बेसिक डिफरेंस है, राइट? तो देखो, तो टेलर एक्सपेंशन जो होता है वो क्या होता है, अगर भाई एफ जेड जो फंक्शन होता है, ठीक है ना, वो इस डोमेन के अंदर या सर्कल के अंदर, जो भी डोमेन दे रखी है, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, पूरे के अंदर क्या होता है, एनालिटिक होता है, ठीक है ना, विद इन बाउंड्री, ठीक है। तो एफ जेड अगर उसके अंदर है, विद इन बाउंड्री अगर क्या होता है, एनालिटिक होता है, तो वहाँ पर क्या खुलता है, टेलर सीरीज, टेलर एक्सपेंशन। और जो लॉरेंट एक्सपेंशन होता है वो कहाँ खुलता है, वो एनुलस रीजियन में खुलता है, एनुलस रीजियन या रिंग शेप्ड रीजियन में। फॉर एग्जाम्पल, जैसे देखो, जैसे इसके अंदर एक और सर्कल ले लेते हैं, तो ये जो रीजियन है, सेंटर दोनों का सेम होगा, कंसेंट्रिक सर्कल है ये। कैसे सर्कल है ये? कंसेंट्रिक सर्कल। तो ये जो रीजन है ना, लॉरेंट एक्सपेंशन कब खुलेगी, जब फंक्शन क्या होगा, इसे एनुलस रीजन में या इस रिंग शेप्ड रीजन में क्या होगा, एनालिटिक होगा, राइट? और ये क्या है, सेंटर। तो इस सेंटर के अबाउट ही टेलर एक्सपेंशन खुलता है, और इस सेंटर के अबाउट ही क्या खुलता है, लॉरेंट एक्सपेंशन। तो टेलर एक्सपेंशन कब खुलेगा, जब एक वो सेंटर मान के जो भी सर्कल है, ठीक है ना, उसके अंदर क्या है, पूरे सर्कल के अंदर विद इन पॉइंट, ठीक है ना, सारे विद इन द सर्कल जितने भी पॉइंट है उन सब पे क्या है, फंक्शन एनालिटिक होगा। तो इस सेंटर के अबाउट क्या खुलेगी, टेलर एक्सपेंशन खुलती है। और कंसेंट्रिक सर्कल है या एनुलस रीजन है, एनुलस रीजन के अंदर क्या होता है, फंक्शन जब एनालिटिक, तो उसके केस में क्या खुलेगा, लॉरेंट एक्सपेंशन खुलेगा, राइट? अब देखो, मैं आपको ये बताऊंगा, अगर भाई ये एक्सपेंशन में कौन कौन सा रीजन ऐसा है जिसमें लॉरेंट एक्सपेंशन खुलेगा, और लॉरेंट एक्सपेंशन का एक स्पेशल केस है टेलर एक्सपेंशन, ठीक है ना, लॉरेंट एक्सपेंशन का एक स्पेशल केस है टेलर एक्सपेंशन, ठीक है ना। तो लॉरेंट एक्सपेंशन है तो इसका मतलब उसके अंदर टेलर एक्सपेंशन भी हो सकता है, ओके। तो ये तो मैंने बेसिक बात बताई है। दूसरा, आप देखो, मैं आपको रीजन बना के दिखा देता हूँ कौन से क्वेश्चन में कौन सा एक्सपेंशन लगेगा, राइट? ओके, तो देखो, पहला रीजन क्या है, मोड जेड लेस देन वन। तो पहला रीजन क्या है, मैं यहाँ बना देता हूँ, पहला रीजन क्या है, ये फर्स्ट क्वेश्चन का है। तो देखो, ये क्या, मोड जेड लेस देन वन का मतलब है सेंटर जीरो। इसका मतलब ये भी है, मोड जेड माइनस जीरो लेस देन वन, सेंटर जीरो और रेडियस क्या है, वन। रेडियस क्या है, वन। तो ये सर्कल जो है, इस सर्कल के अंदर क्या है, फंक्शन क्या है, एनालिटिक है। क्या है? एनालिटिक, क्योंकि जेड, ठीक है, एनालिटिक है। इसका मतलब फर्स्ट क्वेश्चन में क्या खुलेगा, टेलर एक्सपेंशन। और एक बात, टेलर एक्सपेंशन में क्या होती है, जेड की पॉजिटिव पावर होती है, बट लॉरेंट एक्सपेंशन में जेड की पॉजिटिव पावर के साथ नेगेटिव पावर्स भी होती है। तो आपको यहाँ से क्लियरली पता लग जाएगा अभी कौन सी टेलर एक्सपेंशन है और कौन सी लॉरेंट एक्सपेंशन है, राइट? ये तो पहले का सर्कल बन गया। दूसरे का बनाते हैं, दूसरे का। तो देखो क्या है, मोड जेड क्या है, एक से बड़ा और तीन से छोटा। तो देखो, इसको बनाते हैं पहले तो बनाएंगे हमें मोड जेड इज इक्वल टू 1 और मोड जेड इज इक्वल टू 3, और उसके अंदर का एरिया हम ले लेंगे, राइट? तो मोड जेड इक्वल टू 1। अब देखो, यहाँ से क्लियर पता लग रहा है सेंटर क्या है, जीरो है, सेंटर क्या है, जीरो, ठीक है ना। जब जेड में से कुछ भी घटा हुआ नहीं है,
ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, इसके अंदर जेड माइनस जीरो है, राइट। ओके देखते हैं, देखो यहाँ से ले लेते हैं एक रेडियस, ये जीरो सेंटर हो गया तो ये एक रेडियस का ले लिया मैंने, राइट। ओके अब क्या ले लेता हूँ, मोड जेड लेस देन थ्री, टू और थ्री इधर लेते हैं ऐसे, तो यहाँ से ये थ्री रेडियस का क्या हो गया हमारे पास, थोड़ी बनाने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है बट ऐसा नहीं है, ठीक है। वन टू थ्री, ये जो रीजन है ना, ये क्या है, ये रीजन है मोड जेड ग्रेटर देन वन लेस देन थ्री। तो यहां पर कौन खुल क्या खुलेगा, लोरेंट एक्सपेंशन। दूसरे वाले केस में क्या खुलेगा, लोरेंट एक्सपेंशन, राइट। थर्ड केस ले लेते हैं, थर्ड केस बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो थर्ड केस क्या है, मोड जेड, अब ये क्या है देखो, मोड जेड ग्रेटर देन थ्री, पहले क्या बनाते हैं, मोड जेड इज इक्वल टू थ्री का बनाते हैं सर्कल। तो ये वन टू थ्री ऐसे ले लेते हैं, ठीक है ना। तो ये जीरो क्या हो गया, ये जीरो रेडियस का और क्या हो गया, मोड जेड इज इक्वल टू थ्री क्या हो गया, ये सर्कल हो गया, राइट। अब देखो अब क्या है, मोड जेड ग्रेटर देन थ्री का मतलब बाहर का एरिया, बाहर का एरिया, राइट। इसका मतलब क्या है, बाहर के एरिया पर फंक्शन क्या है, एनालिटिक। फंक्शन क्या है, एनालिटिक, ठीक है। अब देखो अब यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन क्रिएट होगा, अगर यहाँ पे लोरेंट एक्सपेंशन खुलेगी या टेलर तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है ना। टेलर तो क्या होती है, जो सर्कल होता है उसके विद इन पॉइंट पे क्या होना चाहिए, फंक्शन एनालिटिक होना चाहिए, लेकिन अंदर तो एनालिटिक है ही नहीं है, क्या है, ये सर्कल के बाहर एनालिटिक है। तो इसका एक क्या तरीका है, अगर भाई हम क्या मान लेते हैं, एक बड़ा सर्कल मान लेते हैं इन्फिनिटी के ऊपर, क्या मान लेते हैं, इन्फिनिटी पर क्या मान लेते हैं, कि बड़ा सर्कल मान लेते हैं इन्फिनिटी पर, ठीक है। तो इन्फिनिटी पर जब हम बड़ा सर्कल मान लेंगे, क्योंकि इस सर्कल के बाहर जितने भी पॉइंट हैं, फंक्शन क्या है, सब पर एनालिटिक है, तो हम सर्कल को क्या बना लेते हैं, इनफाइनाइट पर, क्या बना लेते हैं, इनफाइनाइट पर। तो ये कैसा रीजन हो गया बच्चों, यहाँ से ये एनुलस रीजन हो गया, कैसा रीजन हो गया, ये एनुलस रीजन हो गया, ठीक है ना। तो इसका मतलब है, इस पर थर्ड क्वेश्चन पर भी क्या चलेगा, लोरेंट एक्सपेंशन। लोरेंट एक्सपेंशन का मतलब जेड की जो है नेगेटिव पावर्स के साथ साथ पॉजिटिव पावर भी आपको मिलेंगी, ठीक है ना। टेलर एक्सपेंशन में ओनली आपको क्या मिलेगी, पॉजिटिव पावर्स मिलेंगी, राइट। फोर्थ पे आते हैं, अब फोर्थ को थोड़ा देखो, जेड प्लस वन का मतलब क्या है, देखो जीरो से बड़ा है तो पहले तो देखो क्या करें, देखो जीरो से बड़ा और एक से दो से छोटा, पहले तो हम लेते हैं भाई जेड क्या, जेड का जेड प्लस वन इजल टू जीरो, जेड इजल टू क्या हो गया माइनस वन, यानी कि माइनस वन को कैसे लिख सकते हैं हमें, माइनस वन प्लस में जीरो आया था, यानी कि इसका जो सेंटर है, इसका जो सेंटर है वो क्या है, माइनस वन प्लस जीरो आया था, यानी कि बन गया वन जीरो, माइनस वन जीरो, माइनस वन कहाँ है, ये माइनस वन यहाँ ले लेते हैं, माइनस वन और जीरो। तो ये तो हो गया हमारा रेडियस, सॉरी सर्कल पॉइंट, ठीक है ना, जहाँ पे हमने सेंटर लेना है, जहाँ पर हमने सेंटर लेना है। अब क्या है, अब क्या लेते हैं हमें, अभी पहले तो हम लेंगे जेड प्लस ए, पहले तो लेंगे हमें जेड प्लस वन का मोड इजक्वल टू जीरो, यानी कि जीरो रेडियस, जीरो रेडियस का क्या लेंगे, यही पॉइंट आ जाएगा, यानी इस पॉइंट, ये एक सर्कल है बट ये कैसा है, पॉइंट सर्कल, कैसा है ये, पॉइंट सर्कल, राइट। तो पॉइंट भी, पॉइंट सर्कल भी एक होता है, राइट। एक तो ये हो गया जेड, तो इस पॉइंट को नहीं लेना है, ये पॉइंट तो कहाँ पर है, जीरो सर्कल पर, जीरो पॉइंट सर्कल, ठीक है, जीरो रेडियस, लेकिन हमने क्या लेना है, जीरो से बड़े, जीरो से बड़े, तो ये एक क्या बन गया, ये पॉइंट सर्कल, राइट। अब क्या लेना हमने, दो रेडियस और ले लेते हैं यहाँ से, ये एक तो ये वन हो गया एक, अरे दो इधर भी ले लेते हैं, एक और दो, राइट, इस तरह से। तो ये यहाँ से थोड़ा बनाने में दिक्कत हो सकती है, लेकिन ठीक है, ये ठीक है ना, ये सेंटर हो गया यहाँ से। तो ये भी कैसा रीजन हो गया, ये रीजन कैसा हो गया, क्योंकि ये पॉइंट कैसा हो गया, सर्कल हो गया, इसलिए क्या हो गया, ये भी एनुलस रीजन हो गया, कैसा हो गया बच्चों, ये एनुलस रीजन। तो इस फोर्थ क्वेश्चन पर भी क्या लगेगा हमारा,
लॉरेंट एक्सपेंशन ही लगेगा, ठीक है ना। आई होप आपको ये फिगर अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, ठीक है ना। फिगर बनाने आने चाहिए क्योंकि कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, ठीक है ना। फिगर जब तक नहीं बनाओगे तब तक आपको यही पता नहीं लगेगा एक्सपेंशन किस तरह की है और कैसे खुलेगी, ठीक है ना। अब हम एक एक करके क्वेश्चन को करेंगे। आई होप आपको ये फिगर बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, ठीक है ना। तो फर्स्ट में हम चलते हैं, पहले यहीं कर लेते हैं क्वेश्चन को फर्स्ट। अच्छा, अब एक चीज़ और देखो भाई, टेलर एक्सपेंशन और लॉरेंट एक्सपेंशन दोनों की दोनों, एक नाम ही एक्सपेंशन हो गया तो एक्सपेंशन कब खुलती हैं। एक तो देखो ये फार्मूला लिख देता हूँ मैं, यहाँ पर यहाँ लिख देता हूँ ऊपर। एक तो होता है वन प्लस एक्स का इनवर्स, ठीक है ना। देखो अगर अंदर पॉजिटिव पावर है तो कैसे खुलेगा, वन प्लस में देखो अंदर प्लस पावर है ऊपर नेगेटिव है तो देखो क्या होगा, ये खुलेगा अल्टरनेट, वन माइनस में एक्स प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स क्यूब अप टू सो ऑन, राइट। एक होता है वन माइनस में एक्स की पावर माइनस, देखो यहाँ भी नेगेटिव यहाँ भी नेगेटिव, माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो इसका मतलब यहाँ पे खुलेगा पॉजिटिव के साथ, यहाँ पॉजिटिव पावर पॉजिटिव है साइन एक्स का, साइन कैसा है पॉजिटिव, तो और ऊपर नेगेटिव होगा, ये तो पक्की बात है। तो ये देखो कैसे खुलेगा, प्लस माइनस प्लस, ठीक है ना, अप टू सून इनफाइनाइट। यहाँ पे दोनों माइनस हैं तो यहाँ पे प्लस में खुलेगा, वन प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स क्यूब अप टू सून। ये एक्सपेंशन कब खुलती है, जब मोड एक्स से लेस देन वन, मोड एक्स से लेस देन वन, राइट। ओके, अब देखो आपका टारगेट ये रहेगा, अगर भाई एक्सपेंशन में जिसके अबाउट एक्सपेंशन आपने करनी है उसको क्या करना है, लेस देन वन रखना है, ठीक है ना। इस जेड को पहले तो इस फॉर्म का बनाएंगे, वन प्लस एक्स की फॉर्म में, ठीक है ना। तो देखो, तो पहला क्वेश्चन करते हैं। देखो तो यहाँ पर क्या है, एफ जेड क्या है, थोड़ा बड़ा हो सकता है लेकिन आपको समझाने के लिए थोड़ा वीडियो लंबी बनानी पड़ती है, ठीक है ना। तो जेड प्लस वन और जेड प्लस थ्री, राइट। ये आप बहुत बार कर चुके हो पार्शियल फ्रैक्शन से मैं, ठीक है ना। तो देखो कैसे करते हैं, कैसे करते हैं बच्चों, देखो a अपोन में z प्लस वन प्लस में b अपोन में z प्लस थ्री, एलसीएम आ गया, z प्लस वन वही आता है जो यहाँ पे होता है, ठीक है ना। तो यहाँ से देखो a इंटू में z प्लस थ्री प्लस में b इंटू में z प्लस वन, राइट। ये यहाँ से कैंसिल हो जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ से देखो क्या आ गया, वन इजल टू a अपोन में सॉरी a इंटू में z प्लस थ्री प्लस में b इंटू में जेड प्लस वन। पहले क्या करेंगे, z को माइनस थ्री पुट करेंगे, z को क्या पुट करेंगे, माइनस थ्री। तो माइनस थ्री पुट करेंगे तो यहाँ कट गया, तो माइनस थ्री यहाँ पुट करेंगे तो माइनस थ्री प्लस वन कितना हो गया, माइनस टू बी। तो यहाँ पे वल क्या हो गया, माइनस टू बी, और b की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर, माइनस वन बाई टू। फिर एक बार z को क्या पुट करेंगे, माइनस वन, ये जीरो हो गया तो यहाँ माइनस वन पुट करेंगे तो टू ए बराबर क्या आ गया, वन, ए बराबर कितना आ गया, वन बाई टू। तो यहाँ से क्या बन गया मेरे पास, एफ जेड क्या बन गया बच्चों, यहाँ से वन बाई जेड प्लस वन, और ए की वैल्यू क्या होगी, वन बाई टू, और ये बी की वैल्यू माइनस वन बाई टू है तो इसको कम्प्लीटली बाहर लेते हैं और यहाँ पे माइनस साइन लग जाएगा, वन बाई जेड प्लस थ्री, राइट। ओके, अब देखो अब हमको क्या करना है, अगर इस तरह से एक्सपेंशन खोलना है तो एक तो ये वन प्लस एक्स की फॉर्म में बने, यानी वन प्लस जेड की फॉर्म में बने, दूसरा इस तरह की फॉर्म में लेना है, अगर भाई मोड जेड जो वन प्लस के साथ है, वन प्लस जो टर्म अगली है, वन प्लस समथिंग जो टर्म है उसका मॉडुलस क्या होना चाहिए, लेस देन वन होना चाहिए, तभी वो एक्सपेंशन खुल पाएगी, अदरवाइज नहीं खुल पाएगी, राइट। ओके, देखो ध्यान से, तो पहले हम खोलते हैं, देखो देखिए इधर वन बाई, ये वन बाई टू तो बाहर रहेगा, तो देखो यहाँ तो ऑलरेडी वन प्लस जेड है, ठीक है ना, तो इस पर इसको तो देखने की जरूरत ही नहीं है, और हमने मोड जेड क्या है, लेस देन वन लेना है, राइट। तो देखो ये तो क्या खुल जाएगा, सीधा खुल जाएगा, वन प्लस में जेड और ले गए ऊपर इनवर्स, राइट। ओके, माइनस में यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसा कॉमन लेंगे अगर भाई उस जिससे क्या बन जाए, मोड जेड लेस देन वन आ जाए, यानी वन प्लस में समथिंग जो टर्म है वो क्या आ जाए,
तो उसके लिए हम दो बातें कर सकते हैं, या तो यहाँ से देखो वन प्लस में जेड प्लस थ्री, इसमें से दो बातें हो सकती हैं। एक तो यहाँ से जेड कॉमन ले सकते हो आप, तो जेड कॉमन निकलेगा तो वन बाई क्या हो जाएगा, वन प्लस में थ्री जेड। और दूसरा क्या है, वन थ्री कॉमन ले सकते हैं यहाँ से, तो क्या हो गया, वन प्लस में जेड बाई थ्री। अब आपने ये देखना है अब इन दोनों में से कौन सा सक्सेस होगा, तो वही सक्सेस होगा वन प्लस में जो अगली टर्म है अगर उसका मॉडुलस लेस देन वन रह जाए, किस रीजन पर, मोड जेड लेस देन वन पर। अब आप देखो, अब यहाँ एक चीज़ देखो आप, अगर मोड जेड लेस देन वन, अगर यहाँ पे थ्री अपोन में अगर एक से छोटी वैल्यू रखोगे तो क्या हो जाएगा, थ्री बाई जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक से बड़ी हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये तो यहाँ पर वैलिड नहीं है। यहाँ पर देखो अगर जेड की वैल्यू एक से छोटी है, जेड की वैल्यू अगर एक से छोटी है तो जेड बाई थ्री तो क्या हो जाएगी, ऑब्वियसली क्या हो जाएगी, जेड एक से कम हो जाएगी। तो यहाँ से क्या हो गया, अभी मोर जेड लेस देन वन, सो जेड बाई थ्री आल्सो लेस देन वन। समझ में आई बात, क्योंकि एक से छोटी वैल्यू, तो एक से छोटी वैल्यू रखेंगे तो जेड बाई थ्री भी क्या आएगा, एक से छोटा आएगा। तो यहाँ से क्या समझ में आया मेरे को, अगर भाई यहाँ से थ्री कॉमन लेंगे तो वन बाई थ्री, और क्या हो जाएगा, इसको ऊपर ले जाते हैं वन प्लस में जेड बाई थ्री और इसका इनवर्स। इज इट राइट, ओके। अब देखो, अब इस एक्सपेंशन को हम खोलते हैं, वन बाई टू खोलो। देखो ये प्लस है ये माइनस है, तो अल्टरनेट साइन को लेगा, वन प्लस में जेड माइनस में जेड स्क्वेयर प्लस में क्या आ गया, नहीं माइनस, यहाँ पे माइनस आएगा ना, माइनस प्लस यहाँ क्या आएगा, माइनस का जेड क्यूब प्लस का जेड फोर माइनस का जेड फाइव अप टू सोन, राइट, ओके। ये टोटल के बाहर है भाई वन बाई टू, और यहाँ से माइनस का वन बाई थ्री खोलो, ये भी अल्टरनेट है, वन माइनस में क्या हो जाएगा, जेड बाई थ्री प्लस में जेड स्क्वेयर अपोन में माइनस जेड क्यूब अपोन में क्या आ जाएगा, 27 प्लस में अप टू सो, राइट। अब देखो यहाँ से वन बाई टू को बाहर रख लेते हैं, देखो या इसको मल्टीप्लाई कर दो, पूरे को मल्टीप्लाई कर दो, देखो वन बाई टू माइनस में वन बाई टू जेड प्लस में वन बाई टू जेड स्क्वेयर माइनस में वन बाई टू जेड का क्यूब अप टू सो, ठीक है। माइनस में देखो ये क्या हो, वन बाई टू, वन बाई थ्री, वन बाई सिक्स, अंदर मल्टीप्लाई करो, वन बाई सिक्स माइनस में क्या हो जाएगा, यहाँ से बंद करो, माइनस वन बाई सिक्स, और ये कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस, प्लस का वन बाई सिक्स, यानी क्या हो गया ये, प्लस का जेड अपॉन में 18 प्लस का ये माइनस वन बाई सिक्स, अरे जेड अपोन में 18, और माइनस का क्या हो गया यहाँ पे, जेड स्केयर अपोन में 54 अप टू माइनस, राइट। ये अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, राइट। तो क्या आएगा, इधर कर लेते हैं, वन बाई टू माइनस में वन बाई सिक्स, वन बाई टू में से वन बाई सिक्स गया, कितना बचा, सिक्स, थ्री माइनस में वन, टू बाई सिक्स, राइट। तो वन बाई थ्री, वन बाई थ्री, फिर ये यहाँ पर देखो जेड वन माइनस वन बाई टू में से कितना घटाए, माइनस वन बाई टू, और कितना बचा यहाँ से, प्लस में वन बाई एट्टीन, तो कितना एलसीएम आ गया, एट्टीन माइनस नाइन और प्लस में वन, एट बाई एट्टीन, यानी कि कितना आ गया, चार बटे नौ। तो ये आ गया हमारा माइनस में चार बटे नौ जेड, और माइनस में वन बाई टू, माइनस का वन बाई टू और माइनस का ही वन बाई फिफ्टी फोर, फिफ्टी फोर माइनस सत्ताईस माइनस में एक, कितना आ गया, अट्ठाईस बटे चौवन, राइट। तो कितना आ गया ये, चौदह फोर्टीन अपॉन में सताईस, तो ये आ गया फोर्टीन अपॉन में सताईस
जेड स्क्वायर अप टू साउंड। तो ये हमारी क्या आ गई पहली टेलर एक्सपेंशन है। देखो कैसे लॉरेंट एक्सपेंशन भी बोल सकते हो, लॉरेंट एक्सपेंशन का क्या है, एक स्पेशल केस है ये, राइट। तो ये टेलर एक्सपेंशन इसलिए है क्योंकि इसमें देखो जेड की क्या है, पॉजिटिव पावर है, नेगेटिव पावर नहीं है, राइट। आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब दूसरा क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, ओके। अब दूसरा केस लेते हैं, मोड जेड ग्रेटर देन वन लेस देन थ्री। तो सबसे पहले ये देखते हैं अभी मोड जेड ग्रेटर देन वन के लिए कौन सा फैक्टर काम आएगा, ठीक है ना, और मोड जेड लेस देन थ्री के लिए कौन सा फैक्टर काम आएगा, अलग अलग काम करेंगे। देखो तो सबसे पहले हम लेते हैं वन बाई जेड प्लस वन और वन बाई टू आगे मल्टीप्लाई है, राइट। अब देखो एक को खोल लेते हैं पहले, तो मोड जेड ग्रेटर देन वन, मोड जेड ग्रेटर देन वन, तो यहाँ से अब मोड जेड ग्रेटर देन वन के लिए तो ये पॉसिबल नहीं है, ये किसके लिए है, मोड जेड लेस देन वन के लिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अगर भाई जेड अगर जेड का मोड ग्रेटर देन वन है तो इसका मतलब क्या होगा, वन बाई जेड लेस देन वन होगा, वन बाई जेड लेस देन वन, राइट। तो हम क्या करेंगे, जेड को नीचे ले जाने की कोशिश करेंगे, राइट। तो क्या करेंगे हम यहाँ से देखो, तो वन बाई टू जेड, जेड को मन ले लेते हैं, तो क्या आ गया यहाँ से, इसको बना देते हैं यहाँ से, तो वन बाई वन प्लस में वन बाई जेड, राइट, ओके। वन बाई टू जेड, वन बाई वन प्लस में वन बाई जेड का क्या हो जाएगा, इनवर्स। अब ये वन बाई जेड क्या है, लेस देन वन है, तो उसको हमें एक्सपेंशन को खोल सकते हैं। तो वन बाई टू जेड खोले, वन माइनस में वन बाई जेड प्लस में वन बाई जेड स्केयर माइनस में वन बाई जेड क्यूब अप टू सॉन, राइट। तो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, वन बाई टू जेड माइनस में वन बाई टू जेड स्केयर फिर प्लस में वन बाई टू जेड क्यूब माइनस में वन बाई टू जेड का फोर अप टू सॉन, राइट। अब ले लेते हैं हम दूसरे वाला केस, वन बाई टू माइनस बाद में लगा लेंगे, पहले इसको सिंपली करते हैं, राइट, वन बाई जेड प्लस थ्री, राइट। तो यहाँ से देखो, पहले तो ये देखना है हमने, अब भाई इसमें से हमें जेड प्लस जेड कॉमन निकाले हैं थ्री, तो देखते हैं जेड कॉमन निकाल के देखते हैं, तो वन प्लस में थ्री बाई जेड और एक क्या आता है, वन बाई थ्री कॉमन लेते हैं और ये आ गया हमारे पास है वन प्लस में जेड बाई थ्री। अब क्या लेना है मुझे, देखो लेस देन थ्री, मोड जेड लेस देन थ्री। अब यहाँ देखो मोड जेड अगर लेस देन थ्री होगा, अगर थ्री से छोटा कोई भी नंबर मैं थ्री से थ्री को अगर थ्री से छोटे नंबर से डिवाइड करूँगा, लेस देन थ्री से डिवाइड करूँगा, तो ये थ्री बाई जेड क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन वन हो जाएगा, राइट। तो अगर मैं जेड जेड को अगर जेड की वैल्यू मैं तीन से छोटी रखता हूँ और उसको तीन से डिवाइड करता हूँ, तो ये जेड बाई थ्री क्या रहेगा, लेस देन वन रहेगा। तो ये वाला पोर्शन जो है ना, ये राइट है, ये क्या रहेगा, जेड बाई थ्री लेस देन वन। तो मैं क्या करूँगा, थ्री कॉमन लूँगा, राइट। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ से क्या ले लेते हैं हमें, वन बाई थ्री कॉमन लूँगा, तो ये क्या हो गया यहाँ पे, वन बाई सिक्स, और इसको ऊपर ले जाते हैं वन प्लस में जेड बाई थ्री और उसका ये एक्सपेंशन करेंगे, राइट। इसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ से, तो देखो वन बाई सिक्स करो, वन माइनस में जेड बाई थ्री प्लस में जेड स्क्वायर अपॉन में नाइन माइनस में जेड क्यूब अपॉन में ट्वेंटी सेवन प्लस में अप टू सो, इसको वन बाई सिक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये वन बाई सिक्स, ये जेड है भाई, कहीं दो दिखे, ठीक है ना, तो माइनस में क्या हो गया, ये जेड अपॉन में एट्टीन प्लस में जेड स्क्वायर अपॉन में फिफ्टी फोर माइनस में जेड क्यूब अपॉन में सात छिक बयालीस दो छिक बारह और चार सोलह अप टू सोन, राइट। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, दिस माइनस में दिस, ये मैंने सिंप्लीफाई कर दिया कम्प्लीटली, इसको इसमें से घटा देते हैं, राइट। तो ये हो गया हमारे पास, ये टोटल एक्सपेंशन क्या हो जाएगी, वन बाई टू जेड, वन बाई टू जेड का स्केयर प्लस में वन बाई टू जेड का क्यूब वन बाई टू जेड की फोर अप टू सोन, और ये माइनस में वन बाई सिक्स, यहाँ मैं ये लगा देता हूँ ब्रैकेट ताकि आपको कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो, माइनस में ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, राइट।
तो ये माइनस से प्लस जेड अपॉन में 18 माइनस में जेड स्क्वेयर अपॉन में 54 प्लस में जेड क्यूब अपॉन में 162 ठीक है माइनस अप टू इनफाइनाइट राइट। अब आप देखो यहाँ पर ये क्या है लोरेंट एक्सपेंशन है। अब ध्यान से देखो ये क्या है लोरेंट एक्सपेंशन। तो यहाँ पे देखो जेड की नेगेटिव पावर है ये जो नीचे हैं वो जेड की क्या है नेगेटिव पावर, ये ऊपर है जेड की क्या है पॉजिटिव पावर। यहाँ से क्लियर पता लग रहा है ये कैसी एक्सपेंशन है लोरेंट एक्सपेंशन है। ये कैसी एक्सपेंशन है लोरेंट एक्सपेंशन। अगर सिंप्लीफाई अगर हो रहा हो तो कर लो, अदरवाइज इसको एज इट इज छोड़ दो, आपका क्वेश्चन सोल्व है ठीक है ना। दिस इज द लोरेंट एक्सपेंशन। ओके अब थर्ड क्वेश्चन करते हैं राइट। क्वेश्चन करते हैं मोड जेड ग्रेटर देन 3, मोड जेड ग्रेटर देन 3 राइट। तो ये है वो, ये कौन सा है इनफाइनाइट वाला सर्कल ठीक है ना। तो इनफाइनाइट रीजन पर क्या है फंक्शन है एनालिटिक है राइट। तो यहां पर भी क्या लगेगी लोरेंट एक्सपेंशन। तो देखो मोड जेड ग्रेटर देन 3 के लिए पहले तो हम पहला फ्रैक्शन लेते हैं 1/2 1/z+1 राइट। अब मोड जेड ग्रेटर देन 3 के लिए अब यहां पे क्लियर दिखाई दे रहा है जेड तो क्या है लेस देन 1 होना चाहिए। तो यहाँ से जेड क्या लेना पड़ेगा, जेड को मैं नीचे रखूँगा। जब भी जेड की वैल्यू हमेशा याद रखो, जब भी जेड की वैल्यू 1 से बड़ी हो तो जेड को नीचे रखो राइट। और 1 से बड़ी हो ठीक है ना, 1 से अगर 1 से बड़ी वैल्यू हो जेड की, अगर आपको सर्कल कैसा है डोमेन ऑफ डेफिनेशन है, अगर मोड जेड अगर 1 से बड़ा है तो जेड को हमेशा कॉमन लो राइट। तो यहाँ से जेड को कॉमन लेंगे देखो 1/2z राइट। देखो तो यहाँ से क्या करेंगे 1 + 1 + 1/z राइट। अब जेड का मोड मोड जेड ग्रेटर देन 3 है। तो अब देखो यहाँ पर अगर मैं जेड के अंदर 3 से बड़ी वैल्यू रखूँगा तो 1/z क्या रहेगा 1 से छोटा रहेगा, 1/z क्या रहेगा 1 से छोटा। इसका मतलब ये एक्सपेंशन वैलिड है एक्सपेंड होने के लिए राइट। ओके तो देखो यहाँ से इसको करते हैं 1/2z राइट। अरे अरे जेड है नहीं, देखो 1 + 1/z का इनवर्स खोल दो 1/2z अल्टरनेट साइन खोलेंगे राइट। तो देखो 1 - 1/z + 1/z² -1/z³ और +1/z का 4 अप टू सोन राइट। इसको 1/2z से मल्टीप्लाई कर देते हैं 1/2z -1/2z का स्केयर +1/2z का क्यूब -1/2z का 4 अप टू सोन राइट। ये हमारा पहला फ्रैक्शन आ गया। दूसरे पे चेक करते हैं माइनस बाद में कर लेंगे 1/2 1/z+3। अब देखो यहाँ से यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 से बड़ा। अब देखो अब फिर जेड की बात आ गई लेकिन साथ में 3 भी है, ये भी याद रखना है हमने ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे दोनों फ्रैक्शन ले लेता हूँ देखो आपको दिखाने के लिए। एक बार तो 3 कॉमन ले लेता हूँ, तो 3 कॉमन लूँगा तो 1 + z/3 z/3 और एक बार क्या कॉमन ले लेता हूँ जेड 1 + 3z राइट। अब यहाँ से देख लेंगे कौन सी बड़ी बात है। अगर मैं यहाँ से जेड की वैल्यू 3 से बड़ी पुट करता हूँ, देखो यहाँ पे न्यूमरेटर में अगर जेड की वैल्यू में 3 से बड़ी वैल्यू पुट करता हूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 से बड़ी वैल्यू को मैं 3 से डिवाइड करूँगा तो वो क्या आएगा 1 से बड़ा आएगा। तो इसका मतलब ये फ्रैक्शन ये सिस्टम जो है वैलिड नहीं है। अगर मैं 3 को 3 से बड़ी वैल्यू से क्या करूँगा डिवाइड करूँगा तो क्या आएगा 3/z क्या आएगा लेस देन 1 आएगा, 3/z क्या आएगा लेस देन 1। तो हमारा ये पोर्शन क्या है करेक्ट है। तो मुझे क्या कॉमन लेना पड़ेगा जेड, तो 1/2z राइट। 1 + में क्या आ गया 3/z और उसका इनवर्स राइट। मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ राइट। ओके अब देखो यहाँ से मैं थोड़ा इसको एक्सपेंशन यहाँ से खोल लेता हूँ 1/2z और क्या आ गया हमारे पास 1 - 3/z + 9 ठीक है ना, 3 का स्केयर अपॉन में z² माइनस कितना हो गया 27/z³ राइट। अब इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 1/2z 1/2z माइनस
थ्री अपॉन में टू जेड का स्क्वायर प्लस में नाइन अपॉन टू जेड का क्यूब माइनस में सत्ताईस अपॉन में टू जेड का फोर अप टू सेवन, राइट। अब इन दोनों को घटा देंगे, राइट, घटा देंगे तो कट जाएगा, सीधा लिखना। अब दोनों क्या करो आप, घटा दो, राइट, यहाँ से घटी हुई तो देखो तो ये तो कैंसिल हो गई। अब देखो अब घटाएंगे तो देखो ये तो पॉजिटिव हो जाएंगी, अब घटाऊंगा तो क्या हो जाएगा, देखो माइनस का वन बाई टू जेड स्केयर प्लस में वन बाई टू जेड की क्यूब माइनस में वन बाई टू का जेड फोर, फिर माइनस माइनस प्लस थ्री बाई टू जेड स्केयर, फिर ये माइनस हो जाएगा, माइनस का नाइन बाई टू जेड की क्यूब और ये प्लस का हो जाएगा ट्वेंटी सेवन अपॉन में टू जेड का फोर। अब देखो ये जोड़ो इनको, थ्री बाई टू पॉजिटिव है ये नेगेटिव है तो कितना बच गया, वन बाई जेड स्केयर बच गया, कितना बच गया वन बाई जेड स्केयर, राइट, ओके। यहाँ से देखो नाइन बाई टू माइनस का है और वन बाई टू प्लस का है तो ये कितना हो गया फोर पॉइंट फाइव, अरे हाफ घट गया यहाँ से तो माइनस का क्या हो गया फोर पॉइंट फाइव, फोर अपोन में, फोर अपोन में ये टू कितना हो जाएगा टू हो जाएगा, टू कितना बच गया यहाँ से टू अपोन में जेड क्यूब, फिर क्या हो जाएगा ये वन बाई टू माइनस का है ठीक है और ये ट्वेंटी सेवन बाई टू कितना हो गया ये फोर थर्टीन पॉइंट फाइव, अरे आप घट गया तो थर्टीन थर्टीन बाई टू टू जेड का फोर अब प्लस में अप टू सेवन, ये क्या हो गया हमारे पास से एक्सपेंशन आ गई, क्या आ गई एक्सपेंशन। आई होप आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। लास्ट क्वेश्चन और रह गया बच्चों, एक ध्यान से देखो, बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी नहीं है। अब हम फोर्थ क्वेश्चन करेंगे, फोर्थ क्वेश्चन में क्या है जीरो से बड़ा और जेड प्लस वन लेस देन टू, इसका सेंटर क्या है माइनस वन, माइनस वन और जीरो, ये लिखा हुआ मैंने माइनस वन और जीरो, क्या बताया था मैंने, अब जीरो पहले तो क्या लिया मैंने जेड प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, ये कैसा है माइनस वन जीरो का एक पॉइंट सर्कल है, क्या है ये पॉइंट सर्कल, और लेस देन टू दो रेडियस का मैंने क्या ले लिया सर्कल, राइट, तो ये तो पॉइंट सर्कल हो गया और ये पूरा है कि दो रेडियस का सर्कल हो गया, इसके विद इन जो एरिया है वो कैसा रीजन हो गया बच्चों एनुलस रीजन हो गया, कैसा हो गया एनुलस, एनुलस रीजन में हम क्या लगा सकते हैं लोरेंट एक्सपेंशन, राइट। तो सबसे पहले इसको मान लेंगे, अभी जेड प्लस वन को क्या मान लेते हैं टी मान लेते हैं, राइट, जेड प्लस वन को क्या मान लेते हैं टी, तो जेड क्या हो गया यहाँ से टी माइनस वन, राइट, तो यहाँ से पुट कर देते हैं वन बाई टू तो यहाँ पुट कर देते हैं वैल्यू वन बाई टू वन बाई टी, जेड की जगह क्या पुट कर देते हैं टी माइनस वन, तो माइनस वन से प्लस वन कैंसिल हो गया तो क्या बच गया यहाँ पे वन बाई टी, तो इसको करने की जरूरत नहीं है, एक्सपेंशन खोलने की जरूरत नहीं है, सीधा आ गया हमारे पास, राइट, माइनस में ये क्या आ गया मेरे पास टी माइनस वन प्लस थ्री टी प्लस टू आ गया, ये क्या आ गया टी प्लस टू, राइट, तो ये तो करने की जरूरत नहीं, ये खेल देते हैं वन बाई टू वन बाई टी प्लस टू, राइट, ओके। अब यहाँ से ये देखना है मुझे अगर इसमें टी कॉमन निकलेगा या दो कॉमन निकलेगा, तो मैं दोनों करके देख लेता हूँ, वन बाई टी कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ से क्या आ गया मेरे पास टी बाई टू और प्लस में वन। अब देखो यहाँ से टी क्या है, अब यहाँ से क्या आ गया टी मोड टी क्या आ गया यहाँ से जेड प्लस वन इज इक्वल टू मोड टी लेस देन टू आ गया, अगर टी की वैल्यू में दो से छोटी टी की वैल्यू लूँगा, अगर मैं दो से छोटी टी की वैल्यू लूँगा तो दो से डिवाइड करूँगा तो ये टी बाई टू क्या आएगा, टी बाई टू क्या आएगा बच्चों ये एक से छोटा आएगा, ठीक है ना, तो यहाँ से टी कॉमन निकलेगा, राइट, तो यहाँ से क्या आ गया मेरे पास है वन बाई टू टी आ गया, राइट, टी कॉमन ले लिया तो ये वन प्लस में टी बाई टू का क्या हो गया यहाँ से इनवर्स, खोल दो इसको एक्सपेंशन वन बाई टू टी, वन माइनस में टी बाई टू माइनस में क्या हो गया प्लस में टी स्केयर बाई फोर टी क्यूब अपॉन में एट प्लस में टी की फोर अपॉन में सिक्सटीन माइनस में क्या आ गया टी की फाइव अपॉन में थर्टी टू प्लस में अप टू सेवन,
इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1/2 t माइनस में t से t कैंसिल हो गया, ठीक है, तो क्या आ गया मेरे पास है, t से t कैंसिल हो गया और 2 से 2 कितना आ गया 1/4, माइनस का 1/4, राइट। और यहाँ से क्या आ गया, ये t से t कैंसिल हो गया, ठीक है ना, तो क्या आ गया ये प्लस में t अपॉन में 8 और माइनस में t से t कैंसिल हो गया तो ये आ गया t स्क्वायर अपॉन में 16 प्लस में t क्यूब अपॉन में 32 माइनस में t का 4 अपॉन में 64 अपसुसोन, राइट। अब ये क्या है 1/2 t, तो यहाँ से 1/2 t और माइनस कर दूँगा तो ये सारे क्या हो जाएंगे, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस अप टू सोन, 1/2 t से 1/2 t कैंसिल हो गया, राइट। ये बाकी का जो बच गया ना, ये क्या आ गया हमारा लॉरेंट एक्सपेंशन आ गया, और t की जगह क्या पुट कर दो आप, जेड प्लस वन, तो 1/4 क्या आ गया, जेड प्लस वन अपोन में 8, जेड प्लस वन का स्केयर अपोन में 16, जेड प्लस वन का क्यूब अपोन में 32 प्लस में जेड प्लस वन का 4 अपोन में 64, ये हमारे पास क्या आ गई, लॉरेंट एक्सपेंशन आ गई, राइट। मैंने बहुत धीरे धीरे आपको समझाया है, ठीक है, ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है ना, थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, आप उसको प्ले में स्पीड बढ़ा के आप मेरा लेक्चर देख सकते हो, राइट। आई होप आपको बिल्कुल अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अब बाकी के क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है ना, ये MSc मैथमेटिक्स में भी है और इंजीनियरिंग में भी है, बीटेक इंजीनियर में, ठीक है ना, ये थर्ड सेम में है, लॉरेंट एक्सपेंशन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का एक पार्ट है, ओके। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, थैंक यू।